কেন মেয়েরা হাফ প্যান্ট পরে খেলতে যাবে, কেন এত কোন কিসের খেলা? তখন পাড়ার লোকে অনেক আপত্তি করেছিল। দেখিয়ে হাম লোক তো লড়কিয়া লোক বাহার মে মতলব হর চিজ সে ডরতি থি কি নিকলেঙ্গে। অভি তক দেখিয়ে ছোটা ছোটা লড়কি লোক কো ভি আয়ে দিন না কুছ ঘটনা ঘটিত হতি হ্যায়। मेरी छोटी बेटी कुसुम एक दिन आकर बोली कि मम्मी हमको फुटबॉल खेलना है। तो हम बोले कि ठीक है खेलना है, पर हमको तो भेजने में भी डर लग रहा है, कहाँ जाएगी ये खेलने के लिए? बोले नहीं मम्मी जाने दो, सभी कोई जा रहे हैं। मेरा नाम कुसुम प्रजापति है, मैं 26 नंबर वार्ड में रहती हूँ, मैं 9 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी दो बहन है। मेरे फादर जब मैं 7 ईयर्स की थी तब वो डेथ कर गए थे, तो मेरी मम्मी ही हम लोग के साथ रहती है। 2016 में पार्थिक था मैम और सुकेन सर आए थे हम लोग के एरिया में, मीटिंग हुआ था, उनके जरिए हम लोग को पता चला कि यहाँ पे काम होता है बच्चे लोगों को, एडोलेसेंट्स को लेकर। और 2-3 दिन तक मीटिंग होने के बाद हम लोग को पता चला कि यहाँ इसके जरिए फुटबॉल भी होता है, डांस भी होता है, तो हम लोग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ফুটবল আমরা কোনোদিন ভাবি না যে মেয়েরা ফুটবল খেলবে। আজকে মেয়েরা মন বাগানে ফুটবল খেলতে গেল, আবার ছেলেদের সাথে খেললো, তারপরে কিছুদিন আগে খিদিরপুরে খেলতে গেল, যেটা আমরা কোনোদিনই ভাবতে পারি না যে আমাদের মেয়েরা বাইরে বেরিয়ে খেলবে, বাইরে বেরিয়ে কিছু फुटबॉल खेलने के कारण मैंने यहाँ से टीम वर्क सीखा है, लीडरशिप सीखा है और ग्रुप में कैसे काम किया जाता है, टीम कोऑर्डिनेशन भी सीखा है और बहुत कुछ सीखा। अब तो देर माने नेशा ही गए, छोटा बाजले पांचटा बाजले फुटबॉल खेलते चला है। मैंने फुटबॉल में अपने 3 फ्रेंड्स को भी लिए हैं, पास में ही रहती है, तो उसको हम लोग ने फुटबॉल में शामिल किया है। उन लोगों को बहुत मन था खेलने का, वो हमसे पूछ रहे थे। और पार्क में भी आते हैं तो बहुत सारी लड़की लोग बोलती है कि आप लोग कहाँ से फुटबॉल खेलते हैं, हमको भी एडमिशन चाहिए, हमको भी सीखना है, कितना फ़ीस लगता है? तो वही हम लोग बताए कि फ़ीस नहीं लगता है, फ्री में ही सिखाते हैं सर, बट तुमको इसके लिए तुमको आना पड़ेगा, अपना रजिस्टर कराना पड़ेगा। कुसुम को भी सभी उठाने आती है, सब बच्चे हैं आपस में एक संग मिलकर जाती है फुटबॉल खेलने के लिए। हम लोग के यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में जैसे जब लड़की और लड़के लोग के बीच में भेदभाव किया जाता है, जैसे कोई फैमिली बोलते हैं कि ये लड़की है इसको पढ़ाकर क्या होगा, और लड़के को पढ़ाते हैं, कि हमारे एरिया में गर्ल्स लोग का स्पोर्ट्स बहुत कम होता है, जनरली जहाँ पर भी जाते हैं बॉयज लोग का ही होता है, कभी क्रिकेट होता है, कभी फुटबॉल होता है। कुसुम बैंक का भी काम कर लेती है, पोस्ट ऑफिस गई और खाना बनाना, घर का काम करना, बाजार लाना, ये सब काम कर देती है। इतना सारा काम करने के बावजूद वो पढ़ाई भी कर लेती है, पहले से ज़्यादा अच्छा हो गई है पढ़ाई में, इस बार का नंबर भी वो पहले से ज़्यादा अच्छा लाई है। सबसे बड़ी खुशी है कि वो बहुत समझदार हो गई है, हमको बहुत डर लगता था उसके भेजने में। लड़की लोग हमारा भविष्य है, आजकल के लड़के और लड़की में हम लोग कोई फर्क नहीं समझते हैं। मेरे 3 बेटियां मेरा बेटा की तरह ही है, कोई गम नहीं है मेरे को।